नमस्कार, कंपटीशन कम्युनिटी के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पुखराज करता हूं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और जैसे ही मई का महीना खत्म हुआ है तो मैं मई के करंट अफेयर्स को लेकर आपके सामने आ चुका हूं। तो 16 से लेकर 31 मई 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको प्रॉपरली अभी के अभी अपन क्या कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, वो भी कम से कम समय में। चलिए, तो सबसे पहले खाली स्लाइड आ गया है तो आप सब जानते हैं यहां पर एक साहित्यकार आने वाले हैं। तो एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है, स्टेटमेंट है रविंद्र की कविता शेष है। क्या स्टेटमेंट याद रखना, रविंद्र की कविता शेष है। अब इसमें से सबसे पहले शेष ये जो वर्ड है इसमें से साहित्यकार हैं पंडित शेष नाथ शील। तो शेष से पंडित शेष नाथ शील ये साहित्यकार हैं और उसके बाद इनकी दो रचनाएं हैं। एक है क्या, एक है रविंद्र दर्शन और दूसरा है कविता से कविता लता। तो क्या याद रखना स्टेटमेंट में, रविंद्र की कविता शेष है, शेष से साहित्यकार हैं पंडित शेष नाथ शील, रविंद्र से उनकी पहली रचना रविंद्र दर्शन, कविता से दूसरी रचना कविता लता। चलिए अब क्या किया जाए, तो पिछला जो वीडियो था उसमें से मैंने जो क्वेश्चंस आपको दिए थे उसको एक बार देख लें अपन। तो पहला क्वेश्चन था सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो आपको ध्यान होगा पिछली बार मैंने आपको बताया था MTS अधिनियम या एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये जो एक्ट था इस एक्ट के पालन और निगरानी के लिए क्या किया गया था, तो ई कल्याणी के नाम से एक एप्लीकेशन बनाया गया था और इसी एप्लीकेशन के लिए छत्तीसगढ़ जो है उसे प्रथम पुरस्कार जो है वह मिला था। ठीक है, MTP आएगा ना, गलती से बोल दिया, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTS नहीं MTP। ठीक है, चलो गलती मेरे से भी हो जाता है यार। अगला क्या है, छत्तीसगढ़ के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया। तो आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हमारा जो उच्च शिक्षा विभाग है उसका एक प्रोजेक्ट है, क्या नाम है प्रोजेक्ट का, तो है नाम प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड एक्रेडेशन। और इसी प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड एक्रेडेशन जो है क्या किया गया है, तो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया उसके कारण हमारे उच्च शिक्षा विभाग को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच सिल्वर अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन शहीद जवानों को सर्वोच्च बलिदान के लिए कीर्ति चक्र मिला है। तो ध्यान रखना, श्री दीपक भारद्वाज जी जो कि क्या थे, उप निरीक्षक थे। नेक्स्ट, सोढ़ी नारायण जी ये प्रधान आरक्षक थे। श्री श्रवण कश्यप जी ये STF में प्रधान आरक्षक थे। तो ये जो तीनों थे इन्होंने क्या किया था, बीजापुर जिले में जो नक्सली ऑपरेशन हुआ उसमें भाग लिया और उसमें ये शहीद हुए थे जिसके कारण इनको क्या मिला, कीर्ति चक्र। तो तीनों को, दीपक भारद्वाज उपनिरीक्षक, सोढ़ी नारायण जी प्रधान आरक्षक, श्रवण कश्यप जी प्रधान आरक्षक, तीनों को मिला है। तो आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी डी। अगला क्वेश्चन क्या है, तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पुस्तक बासी का विमोचन किया, इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर गितेश कुमार अमरोहित, सी ऑप्शन सही है।
अगला, किस वर्ष तक छत्तीसगढ़ को कॉर्नियल ओपेसिटी दृष्टिहीनता मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो पिछले वीडियो मैंने बताया था वर्ष 2025 तक यह लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। चलिए अब इस बार के न्यूज पर आ जाते हैं। सबसे पहले जो सबसे चर्चित टॉपिक है, जो कि आज से स्टार्ट भी हो रहा है, आज 1 जून है तो आज से स्टार्ट भी हो रहा है, वो क्या है? राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। तो छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, नेशनल रामायण महोत्सव जो है, इसका आयोजन हो रहा है। तो जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव होता है ना, वैसे ही राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन इस वर्ष हो रहा है कहाँ? रायगढ़ में, 1 जून से लेकर 3 जून तक। तो 1, 2 और 3, मतलब ये 3 दिवसीय होने वाला है। कितना दिवसीय रहेगा? 3 दिवसीय, ठीक है कि नहीं है। अब इसका संचालन कौन कर रहा है? तो हमारा संस्कृति जो विभाग है, संस्कृति विभाग के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है? संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट ध्यान रखना क्या है, ये जो आदिवासी नृत्य महोत्सव की तरह ही इस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में हमारे देश के अलग अलग 12 राज्य, इसके अलावा विदेशों से जैसे कि कंबोडिया और इंडोनेशिया, यहां से रामायण मंडलियां आएंगी और इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी। तो आपने देखा होगा जो हमारा आदिवासी नृत्य महोत्सव होता है, इसमें भी अलग अलग राज्य की जनजातियां आती हैं, नृत्य प्रस्तुत करती हैं, और साथ में विदेशों से भी कुछ ट्राइबल्स आते हैं जो कि अपने नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। उसी तर्ज पर, बिल्कुल उसी जैसे रामायण महोत्सव में भी क्या होगा, तो हमारे देश के अलग राज्यों से तो मंडलियां आएंगे ही आएंगी, इसके अलावा विदेशों से भी। तो 12 राज्य और कंबोडिया इंडोनेशिया, 12 राज्य कौन कौन से हैं? तो बहुत इजी है, ध्यान रखना, ये इंडिया का मैप है, नीचे से चालू करना। पहला हुआ क्या? केरल, केरल के ऊपर आ गए कर्नाटक, तो 1, 2। तीसरा ये छोटा सा गोवा, तो केरल, कर्नाटक, गोवा। फिर आ जाओ ऊपर, तो चौथा क्या है? महाराष्ट्र। और उसके बाद पांचवा क्या है? मध्य प्रदेश है। फिर छठवा आ जाओ कहां? छत्तीसगढ़। सातवा आ जाओ क्या? उड़ीसा। आठवा झारखंड। और नवा जो है वेस्ट बंगाल। तो 9 तो ऐसे दिख गए एकदम सीक्वेंस में, क्या क्या? केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। 10 याद रखना क्या है? उत्तर प्रदेश। 11वां याद रखना क्या है? हिमाचल। और 12वां याद रखना क्या? असम। तो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में 12 का लिस्ट अलग अलग दिख जाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं डीपीआर में दिया हुआ है, चाहे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 ये कौन से हो गए? अलग अलग राज्य, और मैंने आपको क्या बताया? 2 देश जिनका नाम है क्या? कंबोडिया, इंडोनेशिया। यहाँ की रामायण मंडलियां आएंगी, प्रस्तुतिकरण करेंगी यहां पर। अब होगा क्या इसमें? सामूहिक हनुमान चालीसा जो है इसका पाठ भी होगा, और साथ में भव्य केलो आरती जो है इसका भी आयोजन किया जाएगा। किसमें? राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में, ठीक है कि नहीं है। अब ध्यान रखना, इस महोत्सव में जितनी मंडलियां शामिल होंगी उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा, कंपटीशन होगा तो प्राइज भी मिलेगा। तो फर्स्ट प्राइज कितना है? 5 लाख रुपए। सेकेंड प्राइज कितना है? 3 लाख। और थर्ड प्राइज कितना है? 2 लाख रुपए। तो 5 लाख का फर्स्ट प्राइज है, सेकेंड प्राइज 3 लाख का है, और थर्ड प्राइज 2 लाख रुपए का है, ठीक है ना। तो जैसे आप लोग भी रामायण वामायण बढ़िया गाना आता होगा तो आप लोग भी आओ और ये जो पुरस्कार है इसको जीतने क्या करो? प्रयास करो। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दें, सबसे पहले पूछेगा कि ये कहां हुआ, पहला क्वेश्चन, कब से कब तक हुआ, सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है, कौन से विभाग के द्वारा आयोजित किया गया, ये थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ कितने राज्य और कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया। तो ऐसे 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में, एक ही में 5 स्टेटमेंट देके बोल देगा कौन सा सही गलत, या अलग अलग एमसीक्यूज के फॉर्म में भी बना सकता है, कभी पूछ देगा आपको कि कहां हुआ, या आपको घुमा के पूछेगा कब से कब तक हुआ, फिर पूछ देगा कितने राज्यों और कितने देशों ने भाग लिया। तो इस प्रकार से प्रश्न घुमाकर आपको इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 7,500 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य रखा गया है, वर्तमान किसमें? फाइनेंशियल ईयर में।
एक बात बताऊं, अगर आपको ध्यान हो तो अप्रैल का महीना था, इस न्यूज को ऑलरेडी मैंने कवर किया था और मैंने बताया था कि बजट में राज्य सरकार क्या कर रही है, तो ये जो योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इसकी राशि को 25,000 से बढ़ाकर क्या कर रही है, 50,000। तो ये जो न्यूज अभी आएगा उसका जो क्रक्स है मेन, उसको ऑलरेडी अप्रैल वाले में हम लोग देख लिए हैं, मैं पहले ही बता दिया था आप लोगों को। तो बेसिकली है क्या, ये जो योजना है ना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, समझना इसके बारे में, इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, समझ में आया, साथ में मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत इनके पास कार्ड है, ये कार्डधारी परिवार है। तो ऐसे परिवार जो कि मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत कार्डधारी हैं या क्या कर रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं या नहीं, और तो गरीबी रेखा के नीचे हैं और मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत क्या है, कार्डधारी हैं, उन परिवार की 18 वर्ष या 18 वर्ष की आयु से अधिक मैक्सिमम 2 कन्याओं को ये आर्थिक सहायता मिलेगी विवाह के लिए, जो कि अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 50,000। क्लियर है? अब ये जो योजना है इसमें विधवाओं को, अनाथ बच्चियों को, निराश्रित कन्याओं को भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है? तो ध्यान रखना 2019 से पहले तक 15,000 रुपए इस योजना की राशि थी, जिसे 2019 में बढ़ाकर कितना किया गया था, 25,000, और 2023-24 में जो बजट आया उसमें बढ़ाकर कर दिया गया कितना हजार, 50। तो पहले 15 था, 19 में 25 हुआ, इस साल के बजट में कितना कर दिए इसको, 50,000। क्लियर है? अब शादी के समय क्या किया जाता है, तो प्रत्येक कन्या को 21,000 रुपए का या तो बैंक ट्रांसफर कर देते हैं या ड्राफ्ट दे देते हैं, और 15,000 रुपए का क्या दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है। तो गरीब परिवार की जो लड़कियां हैं उनकी शादी भी एक व्यवस्थित रूप में हो सके, ऐसा प्रयास इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है, और उसी का टारगेट है 7,000 कन्याओं का विवाह कराना इसी योजना का। क्लियर है? अब अगर देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर प्री में पूछेगा तो आपको पूछेगा राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो याद रखना 50,000। मेंस में इस योजना को आप 30 वर्ड्स या 60 वर्ड्स में रेडी कर लेना, सीधा पूछ देगा। तो बताना इस योजना में सबसे पहले पात्रता क्या है और उसके बाद कितनी राशि मिलती है, और उसके बाद बताना क्या, तो अगला कि कितना लक्ष्य। एटलीस्ट ये 3 पॉइंट आप लोग डिस्क्राइब करना, अगर इस योजना के बारे में 30 या 60 वर्ड्स में लिखने आ जाए तो, ठीक है? चलिए अब अगली न्यूज पर आ जाते हैं। तो क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है क्या, सारथी। अब ये जो सारथी एप्लीकेशन है ना, इसको दुर्ग जिला प्रशासन जो है उसके द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है? अब ये एप्लीकेशन है क्या, तो ये एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से नागरिक आसानी से किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो दुर्ग जिला प्रशासन ने इसे बनाया है, नागरिक इस एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं या शिकायत का जो स्टेटस है उसको क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो शासन के जो विभिन्न विभाग हैं उनसे जुड़ी जितनी समस्याएं हैं, उन्हीं का शिकायत, उन्हीं का समाधान, ये सब प्राप्त कर सकेंगे क्या, नागरिक इस एप्लीकेशन के माध्यम से। और ये जो एप्लीकेशन है इसे 21 मई को दुर्ग जिले के साकरा पाटन में आयोजित जो भरोसे का सम्मेलन था, वहीं पर श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा क्या किया गया है, इस एप्लीकेशन का शुभ आरंभ। तो हम क्या समझे, एप्लीकेशन सारथी ऐप, दुर्ग जिला प्रशासन इसको लेकर आया, नागरिक क्या कर सकते हैं, तो नागरिक बेसिकली अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। 21 मई को भूपेश बघेल जी ने इसको इनॉग्रेट किया है, कहां, साकरा पाटन दुर्ग जिले में। अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस कहो तो क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, तो सबसे पहले पूछेगा कि साकरा पाटन, यहां से किस एप्लीकेशन की शुरुआत की गई, अगर एकदम उल्टा घुमा पूछना है तो उस कंडीशन में याद रखना नाम क्या है, सारथी ऐप। फिर पूछेगा सारथी ऐप जो है किसके द्वारा बनाया गया है, तो आंसर क्या आएगा, दुर्ग जिला प्रशासन। थर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि सारथी ऐप जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य नागरिक आसानी से किसी भी समय अपनी शिकायत को दर्ज और ट्रैक कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से।
तो तीन प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को घुमा के आपको पूछा जा सकता है इस पिक में से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, महासमुंद छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट, डिजिटल जिला जो है वो घोषित हो गया है। तो राज्य स्तरीय स्टेट लेवल का जो बैंकर्स कमिटी है छत्तीसगढ़ का, रायपुर में गुरुवार 18 मई, रायपुर में गुरुवार 18 मई को इनकी जो डिजिटल सब कमिटी की मीटिंग हुई थी। तो 18 मई को छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय बैंकर्स कमिटी जो है उसका क्या हुआ, जो डिजिटल सब कमिटी है उसकी मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में बेसिकली ये पाया गया कि महासमुंद जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जितने पात्र बैंक खाते हैं उनका 100% क्या हो गया है, डिजिटलाइजेशन, डिजिटलीकरण। और इसलिए महासमुंद को क्या बोल दिए, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला। समझ में आया? तो क्यों बोले हैं महासमुंद को डिजिटल जिला, तो यह पाया गया कि महासमुंद के जितने पात्र बैंक खाते थे उन सभी का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में 13,34,770 बैंक खाते हैं और ये सभी खाते कम से कम एक डिजिटल सेवा से तो जुड़े ही हुए हैं, मतलब सबका कोई ना कोई डिजिटल सर्विस चालू है। इसलिए सभी बैंक अकाउंट्स महासमुंद डिस्ट्रिक्ट के डिजिटलाइज हो चुके हैं, इसलिए महासमुंद को क्या कहा गया है, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट, डिजिटल जिला। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करोगे भैया पूछ देगा आपको छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला जो है वो क्या है, तो महासमुंद। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम डिटेल में पूछना चाहेगा तो पूछ देगा क्यों घोषित किया गया है, तो बता देना जितने पात्र बैंक खाते थे डिजिटलाइजेशन हो गया, बन गया हमारा महासमुंद डिजिटल जिला। ठीक है, चलिए अब क्या है, जनजाति वाचिकोत्सव 2023, ये 3 दिवसीय इसका आयोजन हुआ। कब से कब तक, तो 25 से लेकर 27 मई तक, कहां पर, नवा रायपुर। तो नवा रायपुर में आप देखे होंगे आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और हमारे राज्य सरकार के सहयोग से ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने क्या किया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजाति कार्य मंत्रालय और राज्य शासन के सहयोग से बेसिकली जो आदिवासी हैं, जो जनजाति हैं, ट्राइबल्स हैं, उनसे संबंधित जो वाचिक परंपरा है, ओरल ट्रेडिशंस है, वोकल ट्रेडिशंस है, उसके संरक्षण, कंजर्वेशन, संवर्धन, प्रमोशन और उसके अभिलेखीकरण, रिकॉर्डिंग या रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कह लो, के उद्देश्य से, ऑब्जेक्टिव से 25 से 27 मई 2023 तक 3 दिवसीय जनजाति वाचिकोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। क्लियर है ये बात? तो क्या किया, ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और राज्य शासन, ये तीनों मिले 25 से लेकर 27 तक जनजाति वाचिकोत्सव 2023 लेकर आए। क्यों लेकर आए, तो जनजातियों से जुड़ी हुई जो वाचिक परंपरा है, जो ओरल ट्रेडिशंस है, उसके संरक्षण, संवर्धन और अभिलेखीकरण के लिए। ठीक है, अब इसमें 9 अलग अलग विधाओं, जॉनर्स का क्या किया गया, वाचन किया गया। ठीक है, जिसमें क्या क्या थे, तो जनजाति देवी देवताओं एवं मड़ई मेला से संबंधित वाचिक ज्ञान, ये एक जॉनर था, विधा थी। इसके अलावा जनजातियों में प्रचलित लोक कहानियां, ये अलग विधा थी। जनजातियों में प्रचलित कहावतें एवं लोकोक्तियां, जनजाति लोकगीत एटसेट्रा एटसेट्रा, इनका क्या किया गया, वाचन किया गया, इन्हें प्रेजेंट किया गया। क्या क्लियर है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहोगे तो ध्यान रखना, क्या आपको पूछेगा जनजाति वाचिकोत्सव 2023 कहां हुआ, पहला क्वेश्चन नवा रायपुर, सेकंड कब से कब तक हुआ, तो 25 से 27 मई, थर्ड पूछेगा किसने करवाया, तो आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा और किसके साथ मिलकर, तो भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय और राज्य शासन के सहयोग से। तो ये तीन क्वेश्चंस बहुत इजीली पूछा जा सकता है, एकदम डिटेल में पूछना होगा, तो चौथा स्टेटमेंट पूछ देगा इसका क्या
उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, बता देना, वाचिक परंपरा के संरक्षण, संवर्धन और अभिलेखीकरण के लिए। ठीक, चलिए अब हम कुछ विविध फैक्ट्स पर आ जाते हैं। एजुकेशन वर्ल्ड ऑटोनॉमस कॉलेज रैंकिंग 2023-24, इस रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के 6 कॉलेज को टॉप 100 में जगह मिली है। गवर्नमेंट VYT महाविद्यालय विश्वनाथ यादव तामस्कर कॉलेज दुर्ग, ये टॉप 10 में आया है, रैंकिंग रही इसकी 9th। तो ये सीधा सीधा फैक्ट के रूप में पूछ देगा। ठीक है, अगला ध्यान रखना, मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पात्र हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत प्रदेश के जो सभी 33 जिले हैं उसके 1,05,395 हितग्राहियों के खातों में कितना पैसा दिया, 32,35,25,000 रुपए। ये राशि जो है इसको ऑनलाइन ट्रांसफर की। क्वेश्चन बनेगा इसमें से कि इस योजना के तहत सर्वाधिक हितग्राही जो हैं, जिनको बेरोजगारी भत्ते की किश्त दी गई, कौन से जिले से, तो आंसर लिखना क्या, बालोद। तो बालोद जिले में सर्वाधिक 8,832 हितग्राहियों को भत्ते की किश्त दी गई। क्लियर है, तो ये दोनों फैक्ट्स आप लोग याद रख लेना। वीडियो को एंड करने से पहले कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिसको अगले इसमें अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो आप लोग बेसिकली आंसर्स देख सकते हैं, कमेंट जरूर करके मुझे बताएं आंसर्स को। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की प्रोत्साहन राशि बढ़कर कितनी हो गई है, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला घोषित किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है, खरीफ सीजन 2023-24 में प्रति एकड़ कितने क्विंटल की धान खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जाएगी, ये घोषणा के माध्यम से है। ठीक है, तो इसे मैंने बताया तो नहीं है, बट ये सब जानते होंगे, चौथा आई नो, बहुत इजीली आप लोग इसको देख के बता पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये जो वीडियो है इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, और जैसे ही जून का 1 से लेकर 15 तक समय कंप्लीट होगा, 16 या 17 तारीख को फिर से करंट अफेयर्स को लेकर मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। आप सभी से निवेदन है कि कमेंट्स करके मुझे सही आंसर को बताएं, और आप सभी से मैं मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।